हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक एमआई का सेट रिपेयर के लिए आया हुआ है। और गाइज, इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो इनसर्ट सिम की प्रॉब्लम आ रही है गाइज। ठीक है फ्रेंड, आज का ये जो गाइज वीडियो है वो आप कंप्लीट देखिए। आज के इस वीडियो के अंदर इंसर्ट सिम की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ कहाँ से आ सकता है और किस कंडीशन में आ सकता है गाइज, ये जो है वो वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी गाइज। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि गाइज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सिम कार्ड होता है वो किस तरीके से जो है वो काम करता है गाइज। ठीक है, ये जरूरी नहीं है गाइज कि सारे, अगर जितनी भी सारी हमारी पिन होती है जो कि सिम कार्ड की पिन होती है उन सभी पर अगर रीडिंग आ रही है तो सिम कार्ड हमारा वर्क नहीं करता है। तो उस कंडीशन में गाइज हम क्या कर सकते हैं, किस चीज को हम गाइज उसको चेक करना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो वीडियो है वो आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर जो चीज फेस किया है वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ। काफी लोग इस चीज के बारे में आपको नहीं बताते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखो तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक सेट रिपेयर किया है जो कि नोट 3 का सेट है यहाँ पे, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो इनसाइड सिम की प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने सिम कार्ड डाला हुआ है, बट यहाँ पे अगर देखते हो गाइज, इसकी मैं लाइट को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ऑटो को यहाँ से हटा के देखो गाइज, यहाँ पे आ रहा है नो सर्विस। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, एक सिम कार्ड का कट निशान बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो आई एम नंबर है उसको सिंपली यहाँ पे चेक कर लेते, तो आई एम नंबर भी ओके है यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है गाइज, अभी क्या करना है, सिंपली चलते हैं हम सेटिंग के ऊपर और इसका जो बेसमेंट वर्जन होता है उसको भी एक बार हमें चेक करना है। तो बेसमेंट गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी जो बेसमेंट है हमारा वर्जन वो भी ओके है, और इस डिवाइस के अंदर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी किया गया है और मैंने भी करके इसको गाइज सॉफ्टवेयर करके देखा हुआ, बट फिर भी इसके अंदर सिम कार्ड गाइज वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम आती है गाइज, तो उसको सिंपली कैसे चेक करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता कि इसके अंदर गाइस मैंने एक सिम कार्ड लगाया हुआ है। ठीक है, और इसी कंडीशन में एक बार फिर से इस कंडीशन से यहां पे मैं लगा देता हूं। देखो यहां पे सिम कार्ड कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसके अंदर सिम कार्ड किसी भी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। मैं एक बार यहाँ से इनकी पावर की को प्रेस करता हूँ और अभी देखो गाइज, अभी भी ये बिल्कुल ये नो सर्विस कंडीशन में है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको स्लाइड करने के बाद अगर मैं सिम कार्ड वाले सेक्शन पे जाता हूँ तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो, सिम कार्ड इज मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे नो सिम कार्ड की नो सिम कार्ड यहाँ पे शो रहा है और यहाँ पे सारा जो वो हाइड बना हुआ है क्योंकि इसके अंदर सिम कार्ड नहीं दिखा रहा। ठीक है, चलो इसको बैक करते गाइज और फटाफट पहले सेट को यहाँ से जो है इनको हम ओपन कर लेते और उसके बाद इनकी कौन सी लाइन किस कंडीशन से जाती है उसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो है वो सिम कार्ड का ये स्लॉट है, और सबसे पहले गाइज आपको स्लॉट को देखना है कि स्लॉट हमारा टूटा हुआ है कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, इनकी जो पिन होती है गाइज वो टूटने की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, पिन सिम के साथ अटैच नहीं हो पाती है, उस कंडीशन में ऐसी दिक्कत आती है। ठीक है, देखो यहाँ पे गाइज ये सिम कार्ड है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिम कार्ड की पिन प्रॉपर ओके है, कहीं पर भी कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ओके तरीके से गाइज। ठीक है, तो ये एमआई का नोट 3 मॉडल है और इसको सिंपली हम अभी एस्मेटिक के थ्रू इनकी जितनी भी सारी पिन है जो कि हमारा क्लॉक रिसेट सीएलके जो भी सारी पिन है गाइज उसको हम स्मैटिक के थ्रू चेक करेंगे और इसको जीआर वैल्यू के ऊपर इसकी रीडिंग को चेक करेंगे कि इनकी जो रीडिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं गाइज। ठीक है, तो इसके लिए गाइज यहां पे मैं सिंपली पहले अपना स्मैटिक को ऑन कर लेता हूं और फटाफट यहां से मैं आपको जो है इनकी जो गाइज इसका जो नोट 3 का ये डिवाइस है उसको यहां से मैं सिंपली इसका जो इंसर्ट सिम का पीडीएफ है उसको मैं पहले ऑन कर लेता हूं। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं सिंपली अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप वहां पे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने गाइज अभी जो है अपना गाइज इसको हम स्मैटिक को मैंने ऑन कर दिया और यहां पे हम आ जाते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर गाइज। ठीक है, और यहां पे आने के बाद मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से यहां पे गाइज कर देता हूं कि आपको यहां पे साफ दिखे। देखो गाइज यहाँ से मैं इनको सिंपली लाइट ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्लियर दिखे, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। चलो तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसको ऑन होने के एस्मेटिक को। तो सिंपली गाइज ये एस्मेटिक हमारा ऑन हो चुका है, सिंपली हम हार्डवेयर सोल्यूशन पे ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद गाइज हम यहाँ पे चलते हैं शॉमी के ऊपर। तो यहाँ पे ये शॉमी का डिवाइस है और ये जो मॉडल है गाइज वो रेडमी का नोट 3 मॉडल है गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली चलते हैं रेडमी नोट 3 के ऊपर, तो यहाँ पे सीधे और नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद गाइज यहाँ पे देखो रेडमी नोट 3 QC लिखा है, बट ये क्वालकॉम है प्रोसेसर इसमें लगा हुआ, इसलिए QC लगा हुआ। इसमें एक और मतलब वेरियंट है जो कि मीडिया टेक का, यहाँ पे भी देख सकते ऊपर में लिखा हुआ, तो इसके अंदर जो गाइज प्रोसेसर वो क्वालकॉम का है।
तो इस पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिम कार्ड का एक ऑप्शन है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो गाइज अभी क्या हो रहा है कि इसका जो सिम कार्ड का स्मैटिक है वो यहाँ पे ऑन हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑन हो चुका है सिंपली, और उसके बाद सिंपली इसको बड़ा करते हैं और यहाँ से आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है गाइज। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ से जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने जूम कर दिया, और जूम करने के बाद गाइज यहाँ पर आप लाइन और इनकी जो सप्लाइयाँ हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है गाइज। तो ये कुछ इस तरीके का इसका पीडीएफ है, थोड़ा सा और जूम इसको करते हैं हम, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सीम ट्रे हमारा, और सीम ट्रे के ऊपर काफ़ी सारी हमारी जो वो रीडिंग या जो भी जो जीआर वैल्यू पे रीडिंग आनी चाहिए थी वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है गाइस। देखो सबसे जो पहला फर्स्ट लाइन है हमारा जो कि वी रेस का L5 सीम टू के लिए गाइस, यहाँ पे सीम टू लिखा हुआ है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे ये हमारा वी रेस का है L15, यहाँ पे देख सकते हो सीम टू के लिए है गाइस। ये जो सप्लाई है वो हमारे डायरेक्टली पावर एसी से आता है जो कि हमारा वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। ये लाइन दोनों पे होगी, देखो यहाँ पे ये L15 L15 है, और इसके दूसरे से अगर वन वाले सेक्शन पे अगर चेक कर लेते गाइस, तो यहाँ पे देखो ये सीम वन का है, यहाँ पे देखे तो सीम वन लिखा हुआ है, और यहाँ से L40 से आ रहा है वी रेस का ये L40। ये दोनों गाइस जो लाइन होती है वो सीधे हमारे पावर सेक्शन से मिलता है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये एक रिसेट लाइन है, और एक SCL के लाइन है, और ये गाइस एक डाटा लाइन है जो कि सीधे हमारे CPU से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइस ये जो गाइस स्ट्रक्चर है, ये जो स्मैटिक है गाइस, इसी तरीके से दुनिया में कोई भी सिम कार्ड हो, कोई भी मोबाइल हो डिवाइस, चाहे वो आईफोन हो, चाहे कीपोर्ड हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो गाइस, इसकी जो स्मैटिक है वो सेम टू सेम इसी तरीके से काम करता है, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता है। जो भी इन सारी चीज़ें जो पिन यहाँ पर दिख रही होगी, 4 पिन इसके अंदर, 4 पिन इसके अंदर, तो यही डायग्राम जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, जो हमारे कीपैड वाले फ़ोन होते हैं, जो कि हमारे आईफोन होते हैं, सभी के अंदर सेम डायग्राम वर्क करते हैं, सेम चीज जो वो हमारी काम करती है गाइस, ठीक है। तो गाइस सिंपली अभी यहां पे करना क्या है, देखो तो ये जितनी भी सारी पिन है गाइस, ठीक है, इसको हम अपनी अपने मदरबोर्ड के ऊपर यहां पे जीआर वैल्यू के ऊपर चेक करेंगे और देखेंगे कि जितनी भी सारी पिन है, जितनी सारी पिन पे जीआर वैल्यू के ऊपर रीडिंग आनी चाहिए थी वो सारी पिन के ऊपर हमारे जो मदरबोर्ड है Note 3 का उसके ऊपर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है गाइस। ये जरूरी नहीं है गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं एक चीज आपको यहां पर बताने वाला हूं जो कि मुझे नहीं लगता सारे जो है वो यूट्यूबर आपको बताते होंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा, ठीक है गाइस। जो कि मेरे साथ इस तरीके की प्रॉब्लम हुई है, जो कि मैं काफी सारे डिवाइस में इस तरीके की प्रॉब्लम मैंने फेस किया हुआ है, मैंने सोचा यार इस वीडियो के अंदर वो चीज आपको बता दिया जाए, ठीक है। तो चलो अभी हम सिंपली चलते हैं अपने मदरबोर्ड के ऊपर। देखो इस वाले ये सिम टू के ऊपर जो है गाइस, तो ये तीनों वाले पॉइंट पे चेक करना, और यहाँ पे ये चौथा है, ठीक है। और ये सिम वन के ऊपर जो है गाइस, ये नीचे वाले तीनों पे रीडिंग चेक करना है, और यहाँ पे ऊपर वाले पिन पे रीडिंग चेक करना है, ठीक है, कुछ उल्टा है, ठीक है गाइस। तो चलो अभी हम चलते हैं अपने मेन मदरबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने मेन मदरबोर्ड के ऊपर गाइस, ठीक है। और यहाँ से सिंपली हम लाइट ओपन कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको, और यहाँ से है हमारा मल्टीमीटर। इसको सिंपली हम क्या करते हैं, अभी डायोड मोड के ऊपर सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं डायोड मोड के ऊपर गाइस, ठीक है। यहाँ पे ये डायोड मोड के ऊपर सेलेक्ट हो चुका है, और सिंपली इसकी जीआर वैल्यू के ऊपर इसकी रीडिंग को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूँ, शायद अभी आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार आपको दिखता नहीं है, ठीक है। तो देखो गाइस ये जो रेड वाला पॉइंट है, सिंपली इसको हम यहाँ पे ग्राउंड करते हैं, और ग्राउंड करने के बाद गाइस देखो ये सबसे पहली जो पिन है हमारी, जो कि हमारी वी रेज जो है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, इसकी जो वी रेज L15 की हमारी लाइन है, जो कि हमारी सीम टू की लाइन है, ये इनकी फर्स्ट नंबर की पिन है गाइस। तो इस पर हम रीडिंग को अगर चेक कर लेते हैं जीआर मोड के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखो गाइस रीडिंग हमारी आ रही है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे ये रिसेट लाइन है हमारा, ये बीच वाला पॉइंट, इस पर रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो देखो गाइस एक सेकंड, यहाँ पे शायद ग्राउंड में टच हो रहा है, अभी देखो गाइस यहाँ पे रीडिंग, एक सेकंड, अभी देखो एक सेकंड में यहाँ पे थोड़ा ग्राउंड में टच हो जा रहा है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक बार मैं इसको टच करता हूँ फिर से, और मैं कुछ इस तरीके से टच करता हूँ, तो देखो गाइस यहाँ पे भी रीडिंग हमारी आ रही है, जो कि हमारी रिसेट की लाइन है, ठीक है गाइस। और ये बगल वाला जो लाइन है गाइस, वो हमारा CLK की लाइन है, तो इसके ऊपर भी हम गाइस यहाँ पे रीडिंग को चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर भी रीडिंग हमारी आ रही है, ठीक है गाइस। उसके बाद ये नीचे वाला गाइस जो हमारा लाइन है, वो डाटा का लाइन है ये वाला पॉइंट, तो सिंपली हम इस वाले पॉइंट के ऊपर भी अगर टच करते हैं, तो देखो गाइस यहाँ पर भी रीडिंग हमारी जो है वो प्रॉपर आ रही है। इसका मतलब गाइस इसकी जो जो मतलब सेम ट्रे पे जो रीडिंग हमारी जीआर वैल्यू पे आनी चाहिए थी वो प्रॉपर आ रही है, ठीक है। चलो तो अभी इस वाले सेक्शन को, जो हमारा सीम वन है, उस सेक्शन के उस पे ऊपर भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इन तीनों पे रीडिंग को चेक करना है, उसके बाद ये वाला पॉइंट, उसके ऊपर भी रीडिंग को चेक करना। तो यहाँ पे रीडिंग को हम चेक कर लेते हैं। देखो गाइस सॉरी, यहाँ पे एक सेकंड, अभी मैं गाइस यहाँ पे थोड़ा सा टच हो जा रहा है गाइस, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे टच करता हूँ इधर,
तो देखो गाइज यहाँ पे रीडिंग आ रही है जो कि 20 ओके है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ पे गाइज हम टच करते हैं, गाइज यहाँ पर भी ओके है ठीक है। उसके बाद ये तीसरे नंबर पिन पे भी अगर हम टच करते हैं तो यहाँ पर भी गाइज हमारी रीडिंग ओके आ रही है। उसके बाद ये ऊपर वाला पॉइंट है जो कि हमारा चौथा नंबर का पिन है, तो इस पर भी अगर हम गाइज टच करते हैं मल्टीमीटर से तो यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है गाइज ठीक है। देखो जी आर वैल्यू के हिसाब से गाइज इसके ऊपर जो रीडिंग आनी चाहिए थी हमारी वो प्रॉपर रीडिंग आ रही है, जो कि हमारा रिसेट लाइन है, सी एल के है, डाटा लाइन है, और जो कि हमारी पावर एसिन से जो लाइन निकलती है वी रेज का L15 और L14 ठीक है गाइज। तो प्रॉपर लाइन इसके अंदर गाइज आ रही है, बट इसके अंदर एक चीज़ हम लोग जो है वो ज़्यादातर टेक्नीशियन चेक नहीं करते हैं ठीक है, जो कि स्मैटिक के अंदर नहीं दिए हुए गाइज, वहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो गाइज इस वाली डिवाइस के अंदर इनसेट सिम की प्रॉब्लम थी जिसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, बट फिर भी मैंने इसके अंदर इनसेट सिम किया है क्योंकि मैं आपको सही तरीके से समझा सकूँ ठीक है गाइज। देखो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो गाइज यहाँ पे मैंने एक कागज़ डाला हुआ है, ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने कागज़ डाला हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम करता हूँ और ये जो है कागज़ है इसको मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ गाइज। आप सोचो गाइज इस कागज़ से क्या इसका लेन देन है, ऐसा क्यों आ रहा है ठीक है, इस कागज़ से कोई मसला नहीं होना चाहिए था ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले कागज़ को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं जो कि मैंने इसके अंदर इसको लगाया हुआ है। तो मैं पहले यहाँ से इसको इस तरीके से बाहर निकाल देता हूँ। देखो गाइज तो इस तरीके से सिंपली हम क्या करते हैं, देखो ये मैंने कागज़ को इसके अंदर बाहर निकाल दिया, अभी आप देख सकते हो ठीक है गाइज। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी पहले इसके अंदर इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम थी, और यहाँ पे गाइज देख सकते हो कि मैंने इसके ऊपर स्क्रेच भी किया हुआ है। इसकी जो पिन है ये देखो ये अलग पिन है गाइज, ये हमारा ग्राउंड लाइन है, ये जो दिख रहा है आपको ये जो हिल रहा है अभी ये ग्राउंड है, और ये हमारी गाइज एक सप्लाई होती है जो कि हमारे पावर आईसी के साथ कनेक्ट होता है। ये वाला जो लाइन है गाइज वो हमारे पावर आईसी के साथ कनेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं गाइज स्विच ठीक है गाइज। ये जो पिन है गाइज जब हम सिम ट्रे को टच लगाते हैं इसके अंदर, तो बहुत लोग नहीं बताते हैं आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, जब इसके अंदर सिम कार्ड हम लगाते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है गाइज ये पॉइंट सिंपली इस वाले पिन के साथ टच करता है और हमारा गाइज सिम कार्ड जो वो शो करता है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ पहले के फ़ोन में क्या हुआ करता था, जो कीपैड के फ़ोन होते थे हमारे उसके अंदर क्या हुआ करता था कि उसकी बैटरी जो गाइज उसको हम ओपन करते थे और उसके बाद उसके अंदर सिम कार्ड लगा के सेट को ऑन करते थे गाइज ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, जैसे ही सेट ऑन होता था तो हमारा सिम कार्ड शो करता था, बट अभी के सेट, क्योंकि अभी का सेट जितने भी सारे एंड्रॉयड सेट है या चाहे वो आईफोन है, तो उसके अंदर से गाइज बैटरी बाहर नहीं निकलती है। तो उसी के लिए गाइज इसके अंदर कंपनी ने एक स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो गाइज स्विच है इसको हम स्विच बोलते हैं। जैसे ही गाइज इसके अंदर सिम कार्ड हम कनेक्ट करते हैं गाइज, तो ये जो पिन होता है ये पिन इस पिन के साथ अटैच करता है और हमारे पावर आईसी से 1.8 की वोल्टेज जनरेट होता है जो कि हमारे सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है गाइज। बीच में एक हमारा रजिस्टर लगा होता है जो कि इसके अंदर, इसके बिट मैप को हम एक बार चेक करेंगे। वैसे मैंने देखा हुआ इसके बिट मैप इसका स्मैटिक के अंदर नहीं है गाइज, तो इसकी रजिस्टर की वैल्यू मैं आपको नहीं बता सकता, बट मैंने Y2 के अंदर इस तरह की कंडीशन देखा है। उसके अंदर गाइज ये जो ये वाला पॉइंट ग्राउंड होता है और ये वाला जो पॉइंट गाइज वो ग्राउंड होता है, और ये जो नीचे वाली पिन है इसके अंदर एक सप्लाई होती है जो कि हमारे 470 जो ओम्स का लगा हुआ होता है ठीक है। तो गाइज ये क्या होता है, ये इस तरीके से इस पिन के ऊपर टच होता है और हमारा सीपीयू जो होता है इनकी, जैसे ये टच होता है तो हमारा पावर आईसी जो 1.8 वोल्टेज बनाता है और हमारे सीपीयू के साथ स्विचिंग होता है और हमारा जो सिम कार्ड है गाइज वो हमारे मोबाइल के ऊपर शो करता है गाइज ठीक है। तो इसके अंदर गाइज क्या प्रॉब्लम था कि ये इनसाइड सिम मेरे पास रिपेयर के लिए आया हुआ था, तो जब मैंने इसको चेक किया तो सारी चीजें ओके आ रही थी, बट ये जो पिन है बीच वाला, ये जो पिन है हमारा, तो इसके ऊपर कार्बन लगा हुआ था, मतलब जो हमारा कार्बन होता है गाइज वो लगा हुआ था। उस कंडीशन में क्या हो रहा था, ये जो पिन है गाइज इस पर टच तो हो रहा था बट इसके कार्बन पर टच हो रहा था, कंप्लीटली इस पिन के ऊपर गाइज टच नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमारा जो डिवाइस है वो हमारे सिम कार्ड को स्विचिंग नहीं कर पा रहा था गाइज ठीक है। तो ये बहुत सारे डिवाइस के ऊपर दिया हुआ होता है, काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते होंगे, काफ़ी लोग सिंपली इसके पिन को चेक करके हिट वगैरह इधर से उधर दे देते होंगे गाइज ठीक है। तो आज के बाद गाइज अगर आपके पास इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम आती हो, सारे पिन को आपको चेक कर लेना है, थोड़ा सा साफ वगैरह कर लेना, और ये जो पिन होता है गाइस स्विचिंग पिन, इसको आपको जरूर से चेक करना है गाइस ठीक है, जो कि मैंने इसके अंदर चेक किया हुआ है। इसके बीच में मैंने कागज डाल दिया था इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि गाइस आपको इस पर कंप्लीटली मुझे बताना था गाइस ठीक है। तो इसके अंदर गाइस ये जो स्विच होता है उसके बाद जाके हमारे सीपीयू को स्विचिंग होता है कि हमारा जो डिवाइस है उसके अंदर सिम कार्ड लगा हुआ है, सिम कार्ड लग चुका है, उसके बाद हमारे डिवाइस के अंदर और जो है गाइस वो सिम कार्ड होता है ठीक है। तो ये स्विच जो है वो कंपनी वालों ने इनके ऊपर बनाया हुआ गाइस ठीक है। तो इसके लिए गाइस हम अभी चलते हैं आपको स्मैटिक के ऊपर लेके, और स्मैटिक में आपको दिखाता है कि इनकी जो कनेक्टिविटी है वो इसके अंदर नहीं शो किया गया है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम आ जाते हैं एक बार अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं यहाँ से जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखे। देखो इस तरीके से ठीक है, देखो गाइज यहाँ पे इनकी स्विचिंग यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, बट इसके ऊपर कुछ भी रीडिंग नहीं शो हो रही है, देख सकते हो आप यहाँ पे ये पूरी तरीके से ब्लैंक छोड़ दिया गया है। यहाँ से मैं लाइट थोड़ा ऑफ करता हूँ, अभी देखो गाइज यहाँ पे क्या है ना, इस ये पिन इसके साथ
टच होता है और हमारा जो ये स्विच करता है हमारे पावर आईसी से 1.8 के जो है वो जनरेट होता है और एक रजिस्टर के थ्रू हमारे सीपीयू को स्विचिंग करता है और हमारा सिम कार्ड जो हमारे डिवाइस के ऊपर शो करता है। अगर ये स्विच गाइज नहीं होता, स्विचिंग नहीं होता, जैसे ही सिम कार्ड हम डालते हैं तो हमको फ़ोन को गाइज रीस्टार्ट एक बार करना पड़ता है, ठीक है, जो कि अभी के जितनी भी सारे डिवाइस है उसके अंदर रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता है। और बहुत सारे ओप्पो के ऐसे भी डिवाइस है जो कि ओल्ड मॉडल में है, उनके अंदर सिम कार्ड लगाती है फ़ोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है गाइज, क्योंकि उसके अंदर स्विचिंग होता है और बहुत सारे डिवाइस के अंदर नहीं होता है, जैसा कि आपने देखा होगा, ठीक है। देखो इसके अंदर कोई भी कनेक्टिविटी इसके अंदर इसकी जो वो नहीं दिया हुआ है, इसलिए लोग काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं देख पाते, काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार इसके गाइज इसका जो नोट 3 है मेरे पास डिवाइस है, मैंने नोट 3 का स्मैटिक को ऑन किया हुआ है, इसके बीट मैप के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम गाइज नोट 3 का बीट मैप को यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे गाइज जो भी चीज़ें हैं गाइज मैं बिल्कुल लाइव वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे गाइज ज़्यादातर मैं जो भी चीज़ें होती है मैं लाइव ही आपको बताता हूँ और ज़्यादातर मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको मैं कंटिन्यू कोई ना कोई एवरीडे कोई ना कोई वीडियो देने की पूरी कोशिश करता हूँ गाइज, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे चलते हैं, यहाँ पे रेडमी का नोट 3 पे हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली चलते हैं नीचे और गाइज यहाँ पे देखो ये रेडमी का 4X आ रहा है, यहाँ पे देखो गाइज ये रेडमी नोट 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी शायद आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, एक बार यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़ा दूसरे टाइप से घुमा हुआ है। अभी गाइज मैंने यहाँ पे बीट मैप को ओपन किया हुआ है, ठीक है, एक बार यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने अभी बीट मैप का सेक्शन को ओपन किया है और इसके रेडमी नोट 3 के यहाँ पे मैं खोज रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे नोट 3 नहीं है, नोट 3 है बट ये इसके अंदर जो गाइज है वो मीडिया टेक का प्रोसेसर है, तो इसके अंदर कन्फर्म हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गाइज मैं क्या करता हूँ कि सिंपली यहाँ पे अगर मैं ये यहाँ पे देखो गाइज ये एक सेकंड में यहाँ पे देखो ये 4X है जो कि हमारा नोट 4 का है, तो बीट मैप, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस वाले नोट 4 के बीट मैप को यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोट 4 का बीट मैप को ओपन किया जो कि डिवाइस है नोट 3 जो कि इसके अंदर क्वालकॉम प्रोसेसर लगा हुआ है और नोट 4 के अंदर भी क्वालकॉम प्रोसेसर लगा हुआ है गाइज, ठीक है। देखो गाइज जैसे यहाँ पे ये सेम ट्रे का हमारा सेक्शन है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करता हूँ, देखो ये बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से और इनकी जो रेट लाइन है सिंपली इस पर हम क्लिक कर देते हैं, ये कोने पर है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है गाइज देखो ये एक स्विचिंग पिन है हमारा यहाँ पे, इस पर जैसा मैं यहाँ पे टच करता हूँ तो देखो गाइज इसकी लाइन कहाँ कहाँ जा रही है जो कि आपको स्मैटिक के ऊपर नहीं दिखाया गया है, ठीक है, जो कि स्मैटिक पे आपने देखा है सिम के पीडीएफ पे, उस पर इस तरीके की लाइन नहीं दी गई है। बट बीट मैप के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो गाइज तो ये देखो यहाँ पे कुछ रजिस्टर लगा हुआ है, उसके बाद ये हमारी पावर आईसी के थ्रू जो है वो आउट होके हमारे डायरेक्टली जो है गाइज वो आती है सिम ट्रे के ऊपर, ठीक है गाइज। तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीटली बताने की पूरी कोशिश की है। अभी हम चलते हैं अभी मोबाइल फ़ोन के ऊपर और इसके अंदर गाइज जो इनसाइड सिम की प्रॉब्लम आ रही है उसकी प्रॉब्लम को एक बार यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं गाइज। तो यहाँ से मैं लाइट को ओपन कर लेता हूँ, देखो गाइज लाइट को मैंने यहाँ से ओपन कर दिया है और गाइज इसकी जो पिन है गाइज उसको थोड़ा सा यहाँ से मैं ओपन कर ऊपर थोड़ा कर लेता हूँ और गाइज क्योंकि ये जो पिन है वो टच होगा इसके ऊपर, तो मैं थोड़ा सा क्योंकि मैंने इसके ऊपर कागज़ लगाया हुआ था, ठीक है, तो अभी हम सिंपली इसको हम जो वो चेक करेंगे गाइज, ठीक है। तो अभी ये इस तरीके से मैंने कागज़ बाहर कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हो। तो अभी फटाफट गाइज यहाँ पे सिंपली हम इसके अंदर सिम कार्ड को लगाएंगे और इसको गाइज एक बार चेक करेंगे। देखो गाइज इस कंडीशन में कई लोग क्या करते हैं कि पावर एसी को निकाल देते हैं, सीपीयू को रिवॉल्व कर लेते हैं, बट गाइज आपको ये जो स्विचिंग है उसको एक बार कन्फर्म सही तरीके से चेक कर लेना है, क्योंकि स्विचिंग में अगर प्रॉब्लम आती है तो भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इसके ऊपर लगा दी है और यहाँ पे मेरा सिम कार्ड जो है कि ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, जो कि जियो का सिम कार्ड है हमारा, तो इसको यहाँ पे हम गाइस लगा देते हैं अभी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा दिया। और लगाने के बाद गाइस यहाँ पे एक बार पहले हम सेट को ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने गाइस सेट को ऑन किया, तो चलो यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा सेट को ऑन होने का थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। लाइट को यहाँ से गाइस मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो नेटवर्क है वो यहाँ पे आ चुका है जो कि पहले इनसाइड सिम के इशू में आ रही थी और अभी यहाँ पे गाइज देख सकते हो कि हमारा इसके अंदर जो है वो सिम कार्ड आ चुका है गाइज, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसके सेटिंग के ऊपर चलता हूँ, सेटिंग के ऊपर जाने के बाद अगर सिम कार्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो गाइज यहाँ पे देखो ये सिम कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है जैसा कि गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखो 4G आ रहा है, यहाँ पे हमारा नेटवर्क भी आ चुका है गाइज, ठीक है। देखो फ्रेंड अगर मैं इस कंडीशन से आपको नहीं बताता गाइज तो आपको थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम होती और गाइज यहाँ पे देखो हमारा जो नेटवर्क है वो कम्प्लीटली यहाँ पे आ चुका है 4G जो कि यहाँ पे हमारा शो हो रहा है गाइज, ठीक है। तो एक चीज़ मैं इसके अंदर आपको और बताना चाहता हूँ, तो मैं पहले यहाँ पे सिम कार्ड को बाहर निकालता हूँ, ठीक है। सिम कार्ड को बाहर निकालने के बाद एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बता देता हूँ कि किस तरीके से गाइज ये जो स्विचिंग होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पहले बाहर निकाल लेनी है,
तो यहाँ से मैंने इसको बाहर निकाल दिया। देखो गाइस, जब हम सिम कार्ड को इसके अंदर लगाते हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखो गाइस, अभी आपको साफ दिख रहा होगा। देखो गाइस, जब इसके अंदर हम सिम कार्ड गाइस लगाते हैं तो यहाँ पे मैं पहले सिम कार्ड लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से गाइस सिम कार्ड लगाना है। और सिम कार्ड देखो, जैसे मैंने इसके अंदर सिम कार्ड गाइस लगाया तो देखो गाइस, ये जो पिन है ना वो उसके साथ अभी अटैच होगा। देखो, देख सकते हो यहाँ पे, ये जो पिन है ना उसके साथ टच हो रहा है। ये देख सकते हो, ये टच हो रहा है गाइज। ये जो पिन जो है ना गाइज, वो ग्राउंड होता है और ये जो नीचे वाला पॉइंट है उसके अंदर रजिस्टर के थ्रू हमारी सप्लाई होती है गाइज, जैसे कि मैंने आपको कहा, ठीक है। देखो इस तरीके से जैसे हम इसके ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं, देखो ये मैंने कनेक्ट किया इसके ऊपर और ये पिन टच करता है और हमारा स्विचिंग होता है सीपीयू के साथ और हमारा सिम कार्ड हमारे फोन के ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाता है गाइज, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद है गाइज, ये जो वीडियो है जो कि मैंने आपके लिए बनाया है, आपको पूरी चीज़ इस वीडियो के अंदर समझ में आ गया हो गाइज। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया है या फिर इसके अंदर और भी डिटेल्स में वीडियो चाहिए या फिर जो इसका सीएलके का लाइन होता है, डाटा का लाइन होता है, क्लॉक सीएलके क्लॉक डाटा रिसेट या फिर जो वीरेसी लाइन है वो किस तरीके से काम करते हैं, उस पर भी अगर वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चीज को भी इस चीज को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा गाइस। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।